उगना महादेव की सच्ची कहानी। भगवान भोलेनाथ की महिमा अपार है। उन्होंने अपने सच्चे भक्तों का हमेशा साथ दिया है, परंतु ये घटना सचमुच चकित करने वाली थी। जब भक्त की भक्ति से प्रसन्न होकर भोले बाबा उनके नौकर बनने को तैयार हो गए। कहा जाता है कि मैथिली के सर्वोपरि कवि विद्यापति जी भोले शंकर जी के बहुत बड़े भक्त थे। उनकी भक्ति से भोलेनाथ इस तरह प्रसन्न हुए कि वे नौकर के रूप में विद्यापति के साथ रहने को भी तैयार हो गए। लोकमानस कथा के अनुसार भगवान शिव अपना भेष एक मूर्ख गवार के रूप में बदलकर अपना नाम उगना रख विद्यापति के पास आए। और उनसे नौकरी पर रखने के लिए प्रार्थना करने लगे। विद्यापति जी ने कहा, भला मैं इतना सक्षम कहाँ हूँ जो तुम्हें नौकरी पर रख लूँ। परंतु जब उन्होंने काम के बदले केवल दो वक्त का भोजन मांगा, तब कवि महोदय मना नहीं कर पाए। उगना के यहाँ काम करते करते धीरे धीरे विद्यापति के विश्वासी बन गए। विद्यापति कहीं भी जाते वे उगना को अपने साथ ले जाते। उगना भी उनके साथ हाँ में हाँ मिलाता। एक समय की बात है, विद्यापति को राज दरबार में जाना था। वे उगना के साथ चल पड़े। जेठ का महीना था, सूर्यदेव अपनी पराकाष्ठा पर थे। तीखी धूप से सारा बदन जला जा रहा था, साथ ही प्यास से गला भी सूखने लगा। रास्ते में कहीं पेड़ पौधे भी नहीं थे जिसकी छांव में वे थोड़ा विश्राम कर लेते। विद्यापति जी की प्यास धीरे धीरे बढ़ने लगी। आखिरकार जब उनसे रहा नहीं गया, तब वे उगना से बोल पड़े। उगना, मुझे बहुत जोर की प्यास लगी है। प्यास के मारे इतनी बुरी स्थिति हो गई है कि मैं अब थोड़ा भी नहीं चल पाऊंगा। मुझे कहीं से जल लाकर दे दो। इतना कहकर उसने अपने झोले से लोटा निकालकर उगना की तरफ बढ़ा दिया। उगना ने दूर दूर तक अपनी नजर दौड़ाई, कहीं भी कुआं, सरोवर या नदी दिखाई नहीं दी। तब भक्त के कष्ट को हरने के लिए उगना लोटा लेकर झाड़ियों के पीछे गए और अपने असली रूप में आ गए। अब उगना भोलेनाथ बन चुके थे। अपना असली रूप धारण करते ही उन्होंने अपनी जटा खोली और फिर जटा से गंगा जल निकालकर लोटा भरकर अपने मालिक की तरफ बढ़ चला। उन्होंने जल का लोटा आगे बढ़ाया, विद्यापति को देते हुए कहा, आसपास में कहीं भी जल नहीं मिला, मैं इसे बहुत दूर से लाया हूँ। विद्यापति प्यास से व्याकुल थे, उन्होंने सारा जल एक ही सांस में पी लिया। जल पीते ही उन्हें महसूस हुआ, ये तो कोई साधारण जल नहीं है। तब वे उगना से बोल पड़े, साधारण जल का स्वाद तो ऐसा नहीं होता है। ये जल नहीं, गंगा जल है। यहाँ जब दूर दूर तक कोई घर नहीं है, नदियां तालाब कुछ भी नहीं है, फिर तुमने ये जल कहां से प्राप्त किया? ऐसा जल तो केवल मात्र भोलेनाथ शिव के पास ही होता है। अचानक उन्हें लगा, कहीं उगना ही तो भोलेनाथ नहीं? ऐसा ख्याल आते ही वो उगना के चरण पकड़कर कहने लगे, यदि उगना के रूप में आप ही भोलेनाथ हैं, तो आज अपने भक्त को दर्शन अवश्य दें। भक्त के इस प्रेम से भाव विभोर होकर
अंत में उगना ने विद्यापति जी को अपना शिव का रूप दिखाया और बोले, मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगा, परंतु इस बात को गुप्त ही रखना। यदि तुमने किसी के सामने इस सच को प्रकट किया तो मैं चला जाऊंगा। इतना कह शिव जी पुनः उगना के रूप में आ गए। एक दिन विद्यापति की पत्नी सुशीला ने उगना को कोई काम करने के लिए कहा। उगना को काम करने में कुछ देर हो गई, जिस कारण सुशीला क्रोधित हो गई और नीचे रखे झाड़ू को उठा उगना को झाड़ू से मारने लगी। उगना झाड़ू की मार खा ही रहे थे कि विद्यापति की नजर उन पर पड़ी और अपनी पत्नी सुशीला को डांटने लगे, लेकिन सुशीला झाड़ू से उगना को मारती रही। इस पर भाव वेश में आकर विद्यापति सुशीला से बोले, अरे यो मूर्ख ना समझ नारी, जिसे तुम मार रही हो ये कोई साधारण आदमी नहीं है, ये तो साक्षात शिव जी है। उसके इतना कहते ही उगना वहीं पर अंतर ध्यान हो गए। तब विद्यापति बहुत दुखी हुए और वो भोलेनाथ को पागलों की तरह ढूंढते हुए इधर उधर भटकने लगे। अपने भक्त का दुख आखिरकार भोलेनाथ से देखा नहीं गया और एक दिन वो विद्यापति के समक्ष प्रकट हो ही गए। भक्त ने हाथ जोड़कर पुनः साथ चलने का निवेदन किया। तब शिव जी ने कहा, तुम्हारी मनोकामना मैं अवश्य पूर्ण करूंगा। मैं अब हमेशा के लिए अपने आप को इसी गांव में लिंग रूप में स्थापित कर दूंगा। कहा जाता है कि जिस स्थान पर उगना ने अपना शिव रूप विद्यापति को दिखाया था, उसी जगह पर एक शिवलिंग प्रकट हुआ और आज वही स्थान बिहार के मधुबनी जिले में भवानीपुर के नाम से प्रसिद्ध हो चुका है। इसी स्थान पर उगना महादेव का विशाल मंदिर बना हुआ है। ये कहानी है पंडित जी राम खेलावन की। उनके पास रुपए पैसे तो अधिक नहीं थे, पर उनकी बुद्धि का लोहा सारा गांव मानता था। पंडित जी को पक्षी पालने का बड़ा शौक था। उनकी हवेली एक अच्छा खासा चिड़िया घर बनी हुई थी। इधर उधर पिंजरों में पक्षी लटकते नजर आते। इन पक्षियों में सबसे अधिक दर्शनीय एक उल्लू था, जो पंडित जी को सबसे प्रिय था। वैसे देखने में उस उल्लू में ऐसी कोई विशेषता नहीं थी, पर वो उल्लू अपनी विशेष आदत के कारण पंडित जी का प्रिय बन गया था। दरअसल एक बार किसी सेठ ने अपने बेटे के जन्मदिन पर पंडित जी को 2 सोने के सिक्के दिए थे। एक दिन गलती से वो सिक्के उल्लू के पिंजरे में गिर गए और उल्लू ने उन्हें निगल लिया। पहले तो पंडित बहुत परेशान हुए, फिर भगवान का नाम लेकर कई बार उल्लू से कहा, बेटा उल्लू उगल उगल बेटा उल्लू, और अचानक उल्लू ने सिक्का उगल दिया। पंडित ने दोबारा कहा, बेटा उल्लू उगल, और इस बार भी उल्लू ने उनकी बात मान ली। फिर क्या था, पंडित को अब इस खेल में मजा आ गया। उनके आदेश पर उल्लू सोने के सिक्के निगल जाता था और उनके आदेश देने पर मुंह से उगल भी देता था। अपने उल्लू की इस विशेषता को पंडित जी ने किसी को बताया नहीं था। पंडित की एक पुत्री थी, उन्हें उसका विवाह अचानक तय करना पड़ा और विवाह की तिथि भी 10 दिन आगे की ही निश्चित हो गई। बेटी का विवाह सिर पर और पंडित ठहरे ठन ठन गोपाल। एक पैसा पास नहीं, समस्या विकट थी, पर वे घबराए नहीं। उन्होंने तय कर लिया कि बेटी की शादी निश्चित तिथि पर ही धूमधाम से होगी। उसी गांव में एक साहूकार था, ब्याज पर धन देता था, ब्याज भी कस कर लेता था और मूलधन के बदले में कोई न कोई आभूषण गिरवी रखवा लेता था। पंडित साहब उसी साहूकार के पास गए और बोले, साहूकार जी,
मेरी बेटी का ब्याह सिर पर अचानक आ पड़ा है और आपके ही भरोसे मंजूर कर लिया है, कुछ मदद कीजिए। उसकी बात सुनकर साहूकार ने कहा, कितना रुपया चाहिए? पंडित बोले, यही कोई 20,000 से काम चल जाएगा साहूकार जी। अब 20,000 तो उस जमाने में मायने रखते थे। सुनकर पहले तो साहूकार चौंका, फिर कुछ सोचकर बोला, गिरवी रखने को क्या लाए हो पंडित? गिरवी की बात सुनकर पंडित चौंके, आश्चर्य से बोले, भाई लाया तो कुछ नहीं, मैं तो लेने आया हूँ। लेकिन क्या आपको मुझ पर विश्वास नहीं है जो ऐसी बातें कर रहे हैं? साहूकार ने दलील दी, विश्वास आप पर और आपकी नियत पर कैसे नहीं होगा, पर व्यापार में विश्वास से काम नहीं चलता, लेन देन का काम अपने नियमों पर ही चलता है। ये सुनकर पंडित कुछ देर तो असमंजस में पड़े रहे, फिर कुछ सोच कर बोले, ठीक है साहूकार जी, मेरे पास एक बेशकीमती चीज है, हालांकि मैं उसे किसी कीमत पर भी नहीं देता, पर मेरी बेटी का ब्याह करना है, इसलिए मजबूरी में मैं उसे ही आपके यहाँ गिरवी रख दूंगा। बहुमूल्य चीज की बात सुनकर सेठ के मुंह में पानी भराया, उत्सुकता से बोले, ऐसी कौन सी चीज आपके पास है? पंडित ने धीरे से सेठ के कान में कहा, एक उल्लू है, गोल्डन उल्लू। साहूकार चौंक कर बोला, उल्लू? सोने का उल्लू? कितने तोले का है? पंडित बोले, साहूकार जी, सोने का बना हुआ नहीं, जीता जागता उल्लू है। ये सुनकर सेठ हंसा और बोला, आप भी मजाक करते हैं, मैं तो समझा कि 10-20 तोले वाला सोने का उल्लू होगा। अब पंडित जी ने फुलझड़ी छोड़ी, बोले, 10-20 तोला? अरे साहूकार जी, क्यों बच्चे जैसी बातें करते हैं, ये उल्लू तो सोने का एक सिक्का हर रोज उगलता है। सोने के सिक्के की बात सुनकर साहूकार की आंखें खुली की खुली रह गईं। वह बोला, सुबह सुबह भांग पीकर आए हैं क्या पंडित जी? एक तो उल्लू, ऊपर से सोने का सिक्का उगलने वाला, मुझे बेवकूफ समझ रखा है क्या? पंडित समझ गए कि तीर चल गया है, वे अपनी बात पर जोर देते हुए बोले, अरे महाराज, विश्वास न हो तो आप परीक्षा करके देख लीजिए। साहूकार मान गया। अगले दिन पंडित ने उल्लू को दोनों सिक्के खिलाए और साहूकार के पास लेकर आए। उल्लू को सामने बिठाकर कहा, उगल बेटा, और उल्लू ने एक सिक्का उगल दिया। साहूकार की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसे लगा अब वो हर रोज एक सिक्का उगलेगा, फिर तो महीने में 30, साल में 365, और फिर साहूकार अब कल्पना में डूब गया, वो लखपति से करोड़पति और फिर अरबपति बन जाएगा। उसने तुरंत तिजोरी खोल 20,000 रुपए दे दिए। पंडित ने रुपए थैली में भरे और जाते जाते बोले, सेठ जी, आज मेरा मन इस उल्लू के लिए बहुत दुखी हो रहा है, खैर आपके ये रुपए जल्दी ही लौटाकर अपना उल्लू ले जाऊंगा। साहूकार मुस्कुराते हुए बोला, अरे कोई जल्दी नहीं है, आराम से लौटाइएगा। साहूकार ने मुस्कुरा कर कहा और पंडित मन ही मन मुस्कुरा कर चले गए। साहूकार उल्लू के लिए एक खूबसूरत पिंजरा लाया और उसमें उसे बिठाकर अपने सोने के कमरे में टांग दिया। उल्लू के पेट में एक सिक्का बचा था, अतः अगले दिन तो उसने सिक्का उगल दिया। किंतु तीसरे दिन साहूकार ने जब सवेरे सवेरे उल्लू से कहा, उगल बेटा उगल, तभी उल्लू ने रात की खिलाई हुई रबड़ी उगल दी। साहूकार पहले तो चौंका, फिर उसे लगा शायद कल ये सिक्का उगलेगा। जब 2-3 दिन तक वो रबड़ी उगलने का क्रम चला तो साहूकार घबराया और नौकर को भेजकर पंडित को बुलवाया। पंडित ने अनजान बनकर साहूकार से पूछा, कहिए सेठ जी, कैसे याद किया?
साहूकार झल्ला कर बोला, पंडित तुमने मेरे साथ धोखा किया है। पंडित बोला, धोखा? मैंने क्या धोखा दिया आपको? साहूकार ने गुस्से से कांपते हुए कहा। हाँ, तुमने धोखा दिया है, तुम बेईमान हो। अब पंडित ने साहूकार को घूर कर आंखें तरेरी और बोले, क्या कहा, मैं बेईमान हूँ? एक तो मजबूरी में मैंने लाखों का उल्लू 20,000 में दे दिया, और ऊपर से मुझ पर इल्जाम। मैं पंडित हूँ, मेरा शाप कभी खाली नहीं जाता। पंडित के गुस्से को देख कर सेठ कुछ रुआसा सा हो गया, कुछ सहमी आवाज में बोला, अब तुम्हारा उल्लू बेईमान है, वो 3 दिन से सिक्का नहीं उगल रहा है। पंडित तो इसलिए जानता ही था, मगर दिखावे के लिए पूछा, क्या सिक्का नहीं उगल रहा? तो फिर क्या उगल रहा है? साहूकार ने माथा ठोक कर कहा, रबड़ी। सुनकर पंडित ने आश्चर्य प्रकट किया, फिर पूछा, रात आपने उसे क्या खिलाया था? साहूकार ने बताया, रबड़ी खिलाई थी। ये सुनते ही पंडित ने ठहाका लगाया और बोला, रबड़ी खिलाई थी तो उसमें उल्लू का क्या कसूर है? साहूकार जी, आपने रबड़ी खिलाई थी सो उसने रबड़ी उगल दी। सोने का सिक्का खिलाते तो वही उगल देता। आखिर ये कोई ऐरा गैरा नहीं, मेरा गोल्डन उल्लू है, बेईमानी थोड़े ही करेगा, जो खाएगा वही उगलेगा। ये कहकर पंडित खिलखिलाते हुए साहूकार के घर से बाहर निकल गए। सेठ उल्लू की तरफ और उल्लू सेठ की तरफ देखता रह गया।